नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बाराबंकी में कुछ दिन पूर्व मिली अज्ञात लाश का पता लगाने के लिए पुलिस तह तक पहुंच गई। खुलासे में जो सामने आया उससे आप सुनकर चौंक जाएंगे। त्रिकोणीय प्रेम संबंध में रास्ते से हटाने के लिए एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली अंतर्गत के सीठू मऊ गांव से होकर गुजरने वाली नहर के महादेवन घाट का है, जहां पर एक अज्ञात शव मिलने की सूचना 12 जुलाई को प्राप्त हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि यह शव नहर के बहाव के साथ कहीं से बहकर आया है, जिसे पुलिस भी लगभग मान चुकी है। लेकिन तभी पुलिस की नजर पास में पड़े टूटे हेलमेट पर पड़ी और यहीं से शुरू हुई हैदरगढ़ पुलिस की तफ्तीश। पुलिस ने आसपास के जनपदों में भी संपर्क कर गुमशुदगी की जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। इसी बीच जनपद लखनऊ के थाना गोसाईगंज से पूरन नाम के व्यक्ति के गुमशुदा होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाले लोगों को बुलाकर जूते, कपड़े और फोटो दिखाकर यह पता कर लिया कि इस व्यक्ति का नाम पूरन है और यह उक्त थाने का निवासी है। फिर हैदरगढ़ पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगी तो फिर सामने निकल कर आया वह हैरान कर देने वाला था, जिसमें एक ही लकड़ी से दो दोस्तों को प्रेम, फिर एक दोस्त को दूसरे के साथ अपनी प्रेमिका की दिलचस्पी रास नहीं आई। इसी के चलते आरोपियों ने हत्या कर दी। बाराबंकी से ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खाला की मामा की बिटिया को उसने फंसा रखी। किसने फंसाया था? मुन्ने ने। अच्छा, कैसे वहाँ पहुँचो, कैसे मारो? सर, वो खाला की लड़की जो हम साथ में है वो मंगाई थी कि यहाँ पाओ। क्या उसकी उसकी मर्जी से वो काम हुआ? उसकी मर्जी, सहमति से हुआ? जब उससे संबंध था जी सर, तो उसमें आप कहाँ से आ गए? सर, हम इनके रिश्तेदार थे, तो पहले हम अपने मामा की लड़की से बोलते थे, तो वो लोग का ये नंबर ज़्यादा बांट दिए थे, सबको परेशान कर रहे थे ये सब लोग, तो उन्होंने बोला कि इनको मार डालो। सर, मारने नहीं चाहते थे लेकिन वो मारे गए, तो मर गया, तो फेंक दिया साहब। इन लोगों को कितने लोगों को बुलाया था मारने में? सिर्फ यही दो लोग का, यही दो लोग का, ये दुकरन को, इनको बस। अच्छा, कैसे मारा? सर, वहाँ लेके गए जंगल को, अंगोछा ये टाइम लपेट दी। नहीं, कुछ कह के लेके गए होगे ना? नहीं, हम कहें चलो वहाँ जंगल में लड़की आएंगी, वहाँ मिलना है, बस वो लड़की के सहारे में चला गया। फिर क्या हुआ? सर, बस मुँह पे गटाई दबा के। कुछ पिलाया, खिलाया पिलाया भी था? नहीं सर, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, कुछ नहीं, गलत हरकत कोई नहीं थी, सिर्फ थोड़ी दारू हमने पी रखी थी, थोड़ी दारू उसने। फिर कहाँ गमछा से कहाँ मार के फेंका? वही अपने जंगल में कलबला के पास। तो करते समय डर नहीं लगा कि मतलब हम कर रहे हैं इस तरह का काम? सर, डर तो लगी थी लेकिन अब पकड़े नहीं जाएंगे। बीजी के एक अज्ञात शव नहर के पास पड़ा हुआ है, जहाँ पर तत्काल पुलिस बल पहुँचा और उसने प्रारंभिक जानकारी की। शुरुआत में ऐसा प्रतीत हुआ कि नहर की धारा के साथ ये शव बह के आया है, लेकिन फोरेंसिक टीम द्वारा पाया गया कि पास में ही टूटा हुआ हेलमेट पड़ा हुआ था, जिसे स्पष्ट हो गया कि यही घटनास्थल और यही बॉडी का डिस्पोजल किया गया है। एसपी साउथ के नेतृत्व में जो टीम्स बनाई गई, उसमें सीओ हैदरगढ़, इंस्पेक्टर हैदरगढ़, एडिशनल इंस्पेक्टर हैदरगढ़ ने बड़े परिश्रम से काम किया। उन्होंने जनपद के आसपास के सभी थानों में गुमशुदगी तलाश की, अंततः गोसाईगंज में गुमशुदगी मिल गई और उसके आधार पर इस मृतक की पहचान हुई। उसके घर से प्राप्त सूचना, उसके मोबाइल की CDR और अन्य अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि जनपद बाराबंकी में रहने वाली एक युवती के साथ उसका प्रेम संबंध था और इस प्रेम त्रिकोणीय संबंध के कारण उसे यहाँ बुलाकर उसके अन्य साथियों ने, जो प्रेमिका से पहले से संपर्क में थे, उसके रिश्तेदार भी थे, उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या कर दी शराब पिलाने के बाद। इसके अतिरिक्त एक पुलिस के लिए चुनौती ये भी थी कि ये लड़का मोटरसाइकिल से गया था, ऐसा मालूम पड़ा इसके घर से, और हेलमेट मिलने के कारण भी ये बात पुष्ट हुई। उस मोटरसाइकिल की तलाश में जब पूछताछ की गई तो स्थानीय एक कारोबारी ने इसके मोटरसाइकिल को डिसमेंटल कर दिया था, कुछ उपयोग के हिस्से खरीद लिए थे और बाकी हिस्से गोमती नदी उस नाले में ही फेंक दिए थे, जिसको बरामद कर लिया गया है। उस पर तमाम कीचड़ लगा हुआ है, जो इस पूरी बात की पुष्टि करता है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।